आज का हमारा काम हो कंप्लीट, तो आज हम आपके बारे में पूछेंगे। तो बच्चे आप बताओ, आप क्या बनना चाहते हो? हम एक्टर बनना चाहते हैं। तो कुछ डायलॉग सुनाओ आप। कितने आदमी थे? अरे बस बस, तो आप क्या बनना चाहते हो? सर मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। तो कुछ गाकर सुनाओ। सर बस मैं। अरे ये सब आपके फ्रेंड्स तो हैं, ऐसे क्या होता है? सर तो ठीक है, तो आप क्या बनना? सर मैं जज बनना चाहता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे बस बस ठीक है, तो आप क्या बनना चाहते हो? मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। गाकर बताऊँ? अरे बस बस, तुम सब एक्टर या सिंगर ही बनोगे, किसी और ने कुछ नहीं बनना। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मैं फौजी बनना चाहता हूँ। अरे चुप। अरे हरमन आपको क्या हुआ, आप ऐसे उदास ही क्यों खड़े हो? सर सच बताऊँ तो मैं भी फौजी बनना चाहता हूँ, पर सर मेरे घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरे दादा और मेरे पापा दोनों ही फौजी थे, वो दोनों ही देश के लिए शहीद हो गए। अरे ये तो गर्व की बात है तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए। नहीं, तुम कहीं ना कहीं गलत हो। अगर देश के जवान जागते हैं तभी हम चैन की नींद सोते हैं। हमें गर्व होना चाहिए, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमें देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा। क्या तुम अब भी फौजी नहीं बनना चाहते? नहीं जशन, तुम सही थे, अब मैं फौजी बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा। यस वेरी गुड। सर मैं भी फौजी बनूंगा। ओके वेरी गुड। हम प्रण लेते हैं। हम सभी फौजी बनेंगे और देश के लिए मर मिट जाएंगे। ऐ वतन तेरे लिए मर भी जाए कोई गम नहीं, दुश्मन हमें कदम रखे इतना हमें दम नहीं। जय हिंद। अरे चलो बस बस ठीक है। तो हरमन आप बताओ, आपके पापा कैसे सीख रहे? सर आज से कुछ साल पहले की बात है, हम सब घर पर बहुत खुशी से दिवाली मना रहे थे, तभी मेरे पापा के फ़ोन पर उनके सर का फ़ोन आता है कि उन्हें अभी और इसी वक्त जंग पर जाना होगा। तो अब मैं क्या बताऊं सर, वो हमारे लिए आखिरी दिवाली बन चुकी थी, पर अब मैं जश्न की बातों से ये जान चुका हूं कि हमारे लिए कुछ और बनना नहीं, सिंगर और एक्टर बनना ज़रूरी नहीं, फौजी बनना ज़रूरी है। अगर वो जागेंगे तभी हम चैन की सो पाएंगे, तो मैं फौजी बनूंगा। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे परिवार में दो फौजी थे और दोनों ही शहीद हुए हैं। तुम्हारा परिवार तो गर्व से चलता होगा और एक और फौजी देश की रक्षा करने जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। yes. सर हम दोनों देश के लिए फौजियों के लिए कुछ गाना चाहते हैं। yes. मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद।